फ्रेंड्स, उर्वशी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पुदीना का पाउडर बनाने की रेसिपी। तो ये पुदीना पाउडर जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि छाछ का मसाला बनाने में, पानी पूरी का मसाला बनाने में, पानी पूरी की चटनी बनाने में, बहुत सारे ऐसी जो रेसिपीज़ हैं उसमें ये यूज़ होता है और हमको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो बाज़ार से जो हम लाते वो इतना प्योर और स्मेल वाला नहीं होता, फ्रेशनेस भी इतनी नहीं होती। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा बनाकर अपने घर पे ही रेडी कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो आइए कैसे किया जाता है उसको आप देख लीजिए। इस तरह से बड़ा बर्तन जो है वो मैंने लिया है, जिसमें मैं अच्छी तरह से ये पुदीना को धो सकूं। तो इस तरह से बड़ा बर्तन लेकर इसको आधा पानी से भरकर मैंने अच्छी तरह से ये पुदीना को धो के रेडी कर दिया है। और धोने के बाद जो प्रोसेस करना है वो मैं आपको दिखा दूँ मैंने कैसे किया है। वो कि जैसे कि धो के मैंने रख दिया और उसके बाद ये पुदीना को इस तरह से जालीदार चीज़ में रख देना होगा, जाली में। तो इसकी वजह से जो पानी का प्रोपोर्शन है वो निकल जाएगा। और बाद में जो हम करेंगे कि इसी तरह से आप बर्तन में फैला सकते हो, या तो फिर इस तरह से थाली में लेकर इस तरह से आप फैला कर रख दीजिएगा, ताकि थाली में या तो फिर एक रुमाल भी ले सकते हो जिसमें आप फैला कर इस तरह से रख दीजिएगा खुला खुला सा, ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। और थोड़ी देर के लिए, एक से दो घंटे के लिए इस तरह से इसको फैला कर रख दीजिएगा, तो इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये पत्तियाँ जो है इसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए जब जालीदार बर्तन में से आप निकालते हो तो उसमें से इस तरह से एक थाली में या फिर एक क्लॉथ पे आप फैला कर रख दीजिएगा। और ये तो थोड़ी देर बाद इसका पानी पूरा पूरा सूख जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह से इसको पलट दीजिएगा थोड़ी देर बाद, तो एक से डेढ़ घंटे में ये नेचुरली इसका पानी सूख जाएगा। तो ये देखिए, मैंने एक इस तरह से ये पुदीना लिया है। इस तरह से जो काला और जाली मतलब जो होल पड़ गया हो, इस तरह से ये जो पत्तियां हैं वो अलग कर देनी है, और फ्रेश पत्तियां को ही हमें लेना अच्छा रहेगा। कोई पत्ती होगी जो काली पड़ गई है, क्योंकि हमने अच्छी तरह से साफ़ करके तो रखा ही है, अगर आप इस तरह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से निकालोगे तो ये फटाफट ये साफ हो जाएगा, एक एक करके पत्तियाँ निकालनी नहीं पड़ेगी। ये ऊपर का पोर्शन आप तोड़ लीजिएगा ऐसे, और बाद में नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें ये निकालना होगा, तो फटाफट ये पत्तियाँ निकल जाती हैं। निकाल के रेडी कर दी है, और ये जो डंठल रह गए हैं इसको हमें फेंक नहीं देना है, ये भी काम की चीज है। जैसे कि ये इस तरह से डंठल को इकट्ठा करके हम ये कटिंग करके रख देंगे। ये देखिए, ये बेस्ट तरीका है, इसको हम कटिंग करके रख देंगे। सारे डंठल जो है छोटे छोटे कटिंग करके हम रख देंगे, और जब चाय बनाएंगे तब इसको यूज़ करना है। ये कटिंग करके आप कटोरी में फ्रिज में रख दीजिएगा खुला छोड़ दी के, तो आप हर रोज की चाय में इसको यूज़ कर सकते हो, तो चाय का जायका बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने ये सारे डंठल जो है इसको कटिंग करके रेडी कर दिए हैं, और ये जो पत्तियां हैं ये काम की नहीं है, तो इतना ही हमको फेंकना पड़ेगा। और ये डंठल जो है उसको इस तरह से एक कटोरी में निकाल कर, अगर बड़ी कोई रह गई हो तो साइएगा, और इस तरह से कटोरी में निकाल कर आप फ्रिज में रख दीजिएगा, तो ये काम में आ जाएगी चाय बनाने के लिए। तो ये जो पत्तियां हैं इसको हम इस तरह से एक सूती कपड़ा ले लेंगे, और सूती कपड़े पे इस तरह से फैला कर रख देंगे, खुला खुला सा इस तरह से फैला कर रखना है। और ध्यान रखना है एक के ऊपर एक ज़्यादा पत्तियाँ ना हो, इस तरह से हमें फैला देना होगा, और इसको पंखे के नीचे रख देना है। धूप नहीं दिखानी है इसको, अगर धूप दिखाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा काला सा हो जाएगा,
और ये इस तरह से सुखाने से ये पत्तियाँ जो है इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो वैसे ही रहेगी फ्रेश जैसी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फैला कर रख दिया है। तो जब आप फैला कर रखोगे इसको पंखे के नीचे रखना होगा, और एक जो रूम है जिसमें जिसको आप यूज़ नहीं करते हो ज़्यादा, तो वहाँ पर एक कोने में रख दीजिएगा, और इस तरह से एक हैंडकरचीफ या कोई और कपड़ा लेकर इसको ढक दीजिएगा ताकि धूल मिट्टी वगैरह ना गिरे। तो इस तरह से ये एक से डेढ़ दिन में ये सूख कर रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये नेचुरल ड्राई हो गए हैं, इसको मैंने धूप बिल्कुल नहीं दिखाई है, सिर्फ रूम में एक तरफ रख दिया था। और ये देखिए ये कम्प्लीटली इस तरह से क्रंची हो गए हैं। ये देखिए ये इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये देखिए इस तरह से ये अच्छा सा पुदीना का रंग भी दिख रहा है आपको। अगर आप ये माइक्रोवेव में या किसी और तरीके से करते हो तो ये क्रंची तो होंगे, लेकिन इसमें काला कालापन सा थोड़ा सा आ जाएगा, और ये एकदम ग्रीन दिख रहा है। ये देखिए अब ये रेडी हो गया है, तो इसको हम इस तरह से मसल के इसका पाउडर रेडी कर देंगे। इतनी सुनहरी खुशबू आ रही है, एकदम से लग रहा है कि पुदीना रियल में है। ये बाहर से जो रेडीमेड पुदीना का पाउडर हम लाते हैं, तो मैं एक बार लाई थी, लेकिन इतना स्मेल नहीं आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये पुदीना पाउडर है। सिर्फ बोला और मैंने ले लिया, लेकिन अब ये इसकी रियल स्मेल जो है मुझे महसूस होता है कि बाहर से कभी भी रेडीमेड पुदीना पाउडर नहीं लाना चाहिए। हमें घर में ही इतना आसानी से जब बन रहा है तो इसका हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाता है। और अगर इस तरह से मोटा मोटा वाला जो पोर्शन लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक मसल के इसको रेडी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसको हम छानेंगे तो इसका क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाएगा। तो हमें क्वांटिटी को रखने के लिए हम इस तरह से ज़्यादा देर के लिए मसल कर ये जो है इसकी जो स्टेम्स थोड़ी थोड़ी होती है बीच वाली, तो इसको रहने देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमको तो टेस्ट से मतलब है। तो ये देखिए ये अच्छा पाउडर फॉर्म रेडी हो गया है। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूँ कि अगर हम छलनी लेकर इसको इस तरह से छानेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। देखिए एकदम बारीक सा पाउडर इधर फॉर्म होता है, जो हमारे पास एंड में कुछ भी नहीं रहेगा, और ये मोटा मोटा सा पार्ट तो वैसा ही रह जाता है, तो हमें इसको फेंकना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप इसी तरह से यूज़ कर लो, या तो फिर ये जो है ये पाउडर फॉर्म आपने जो हाथों से बनाया है उसको आप एक बार ग्राइंडर में पीस कर बाद में भर सकते हो, इस तरह से भी भर के रख सकते हो, और अगर आपको दिक्कत नहीं है तो इसी तरह से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए ये हमारा पुदीना पाउडर रेडी है, इसको आप घर पर ही ट्राई कर लेना, रेडी है। आप भी इसी तरह से घर पे ही बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।